टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फील्ड हॉकी के कैटेगरी में भारत अपना तीसरा मुकाबला स्पेन के खिलाफ खेले, जिसमें भारत 3-0 से शानदार जीत दर्ज किए। इस मैच में भारत 10 शॉट लगाए तो वही स्पेन 16 शॉट लगाए। भारत का शूटिंग एफिशिएंसी 30% रहा। भारत को फील्ड गोल करने का 5 मौका मिला, उनमें से 1 गोल किए। वही स्पेन को 9 मौका मिला लेकिन 1 भी गोल नहीं कर पाए। भारत को 4 पेनाल्टी कॉर्नर मिला, उनमें से 1 गोल किए। वही स्पेन को 7 पेनाल्टी कॉर्नर मिला लेकिन 1 भी गोल नहीं कर पाए। भारत को 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और वे गोल करने में सफल रहे। इस मैच में गेंद के ऊपर नियंत्रण भारत का 48% रहा, वही स्पेन का 52% रहा। भारत को सर्कल पेनिट्रेशन 14 मिला तो वही स्पेन को 17 मिला। इस मैच के पहले क्वार्टर के 14 मिनट पर भारत के खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह फील्ड गोल करके भारत को पहला गोल दिए और यह सिमरनजीत सिंह के लिए ओलंपिक में पहला गोल है। और अगले ही मिनट पर रुपेंद्र पाल सिंह पेनाल्टी स्ट्रोक द्वारा गोल करके भारत को दूसरा गोल दिए और वे फिर एक बार आखिरी क्वार्टर के 51 मिनट पर पेनाल्टी कॉर्नर द्वारा गोल करके भारत को मजबूत स्थिति पर ला दिए और यह टोक्यो ओलंपिक में उनके लिए तीसरा गोल है। इसी के साथ अंत तक भारत इस मैच को अपने नाम कर दिए।